प्यारे बच्चों नमस्कार। तो अपन देख रहे थे त्योहार श्रावण तक अपन ने देख लिया। अब श्रावण से अगला महीना देते हैं अपन भादवा। भादवा में खास बात क्या होगी, पहली छह मई का ही अंतिम महीना। इधर जो अपन ने देखे थे ना, मैंने चैत्र से शुरू हुआ भादवा पे खत्म, तो भादवा ही ठीक है। भादवा हिंदू कैलेंडर में सबसे पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि इसमें काफी त्योहार आते हैं ठीक है। और त्योहारों की शुरुआत तो श्रावण तीज से हो ही चुकी है, तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर ठीक है। तो अपन देखते हैं भादवा। भादवा में तो जो अपने ग्रिगोरियन कैलेंडर के महीने आते हैं वो अगस्त और सितंबर है ठीक है, दो महीने से टच होता है। फिर सबसे पहले अपन देखते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष को अपन क्या बोलते हैं, डार्क फोर्टनाइट ऑफ द मून, अंधियारा पक्ष ठीक है। इधर आता है शुक्ल पक्ष, वो ब्राइट फोर्टनाइट है, बता चुके हैं पहले। सबसे पहले अपन देखते हैं तीज, भादवे की तीज आएगी ठीक है। भादुड़ी, भादवे की तीज को भादुड़ी तीज भी बोल देते हैं, चूंकि भादवे में आ रही है तो भादुड़ी तीज हो गई ठीक है। इसको बड़ी तीज भी बोल देते हैं। तो बी से तो हो गया भादवा, भादव्रत, और बी बराबर बिग और बी बराबर बूंदी। बूंदी देखेंगे अभी अपन, बूंदी है ठीक है, बूंदी अभी देखेंगे आगे आएगा। तो अभी तो ये समझो कि बड़ी तीज कौन सी हो गई, भादवे की हो गई। बी से बड़ी, बी से भादवा, छोटी तीज वो श्रावण, ऊपर जो गई श्रावण शुक्ल तृतीया SST, एस फॉर श्रावण, एस फॉर स्मॉल, बी फॉर बिग, बी फॉर भाद्रद और बी फॉर बिग। और बी वाली जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है अपने बूंदी की। श्रावणी थी सबसे, श्रावणी जो थी छोटी छोटी तीज, वो सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है अपने जयपुर की ठीक है ना। तो ये होगी बड़ी तीज। बड़ी तीज का अन्य नाम क्या है, कजली तीज, बादुड़ी तीज, सातुड़ी तीज है ना, बादुड़ी सातुड़ी है ना, कजली बादुड़ी सातुड़ी, ऐसे अपन को ध्यान रखना है ठीक है। मतलब काजल डाल रखा है बादुड़ी ने और सातुड़ी ने, ऐसे ध्यान रख लो आप, काजल डाल रखा है। और ये फेमस है बूंदी की, बूंदी में निकलती है सवारी। अब सवाल ये आता है कि सर छोटी तीज क्यों नहीं फेमस है बूंदी में। तो मैं आपको छोटी तीज श्रावणी तीज, श्रावणी तीज इसलिए फेमस नहीं बच्चों, क्योंकि जैसे अपने देखा था जब अपन गणगौर देख रहे थे, तो गणगौर में अपन ने हाड़ा लीडूबी गणगौर देखी थी, अनु सिंह हाड़ा के पुत्र की गणगौर विसर्जन के दौरान मृत्यु हो गई थी, पांव फिसलने से, तालाब में गिरने से गणगौर विसर्जन के दौरान। तो शुक्ल पक्ष में जो तीज आती है ना, खासतौर पर चैत्र तीज और ये अपनी भादवा तीज शुक्ल पक्ष वाली, ये बूंदी में नहीं मनाई जाती ठीक है। शुक्ल पक्ष वाली बूंदी के अंदर मनाई जाती है कौन सी तीज अपने, ये ठीक है। तो मृत्यु तो हुई थी अपने गणगौर विसर्जन के दौरान, लेकिन चूंकि चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है वो, तो इधर भी ये जो श्रावणी तीज है ना, वो भी शुक्ल SST शुक्ल तृतीया को ही है। तो इसलिए ये भी मतलब श्रावणी तीज भी गणगौर की तरह अवॉइड की जाती है अपने कहा, बूंदी के अंदर ठीक है। तो फिर बूंदी में फिर तीज कब बने, तो बन गई अगले महीने की 15 तारीख जो आ रही बिड़ते ही। तो अगला महीना रहा भादवे, बिड़ते ही आ रही कृष्ण पक्ष की तीज, तो वो हो गई बूंदी, भादवे तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कसली तीज, ऐसे ठीक है ना। और फिर इधर अपन शुक्ल पक्ष में देखते हैं, तो देखो यहाँ पे भी एक तीज है, हरितालिका तीज है ना। तो देखो मैंने आपको काफी अच्छी एक चीज बताई थी, जैसे यहां भी लिखा हुआ है, ये देख लो, छोटी तीज के 15 दिन बाद बड़ी तीज आ गई, छोटी तीज श्रावणी थी उसके 15 दिन बाद ये आ गई अपने ठीक है। और बूंदी ये एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ। फिर ये बूंदी की प्रसिद्ध है, ये छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, जो छोटी तो बूंदी की है, और बड़ी कहाँ की है अपने, बूंदी की, बी से भाद्रपद, बी से बड़ी और बी से बूंदी। अब बूंदी की क्यों प्रसिद्ध है, ये कारण बूंदी में छोटी तीज पर राजकुमार की विसर्जन के दौरान झील में डूबने से मृत्यु हो गई ठीक है। इसलिए ये छोटी तीज जो है अपने श्रावण शुक्ल तृतीया वाली बूंदी में नहीं मनाई जाती ठीक है ना। और गणगौर भी इसीलिए नहीं, क्योंकि वो भी शुक्ल तृतीया को आती है। तो शुक्ल पक्ष की तीज कोई भी बूंदी में सेलिब्रेट नहीं की जाती, क्योंकि वो गणगौर वाली शुक्ल तृतीया से वहां पे दुखांता एक जुड़ी हुई है इसलिए ठीक है ना। और इस दिन नीम का वृक्ष और निमेड़ी माता, नीम के नीचे मूर्ति लगा के उसकी पूजा की जाती है ऐसे है ना, बूंदी में नीम, ऐसे याद रख लो ठीक है। अब देखो ये 15 दिन वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो एक त्रिभुज मैंने आपको बताया था, अपन ने पहले भी पढ़ा था, वहां भी आया था, उधर भी मैंने बताया था, यहां मैं मना देता हूँ। देखो त्रिभुज, जैसे अपन ने एक त्रिभुज बनाया था अपन ने चैत्र बैसाख के अंदर, चैत्र बैसाख में, तो ये तो पहले तो चैत्र बैसाख वाला देख लेते हैं कैसे। यहाँ है ये शुक्ल पक्ष चल रहा है इधर, तो ये अपने चैत्र शुक्ल तृतीया आई थी ठीक है। फिर इधर जैसे अपन ने देखा था बैसाख, ये आई थी बैसाख कृष्ण तृतीया ठीक है, जिसको अपन ने धींगा गणगौर देखा था, धींगा मेवाड़ राज सिंह। फिर ये इधर ही बैसाख के अंदर यहाँ तीज आई थी, उसको अपन ने अक्षय तृतीया बोला था, अक्षय तृतीया आखा तीज, बाल विवाह है ना ये। तो ये ट्राइंगल त्रिभुज कैसे बन रहा है, देखो शुक्ल पक्ष के नीचे शुक्ल पक्ष आ रहा है और इधर एक कृष्ण पक्ष, तो ऐसे त्रिभुज बन गया एक ठीक है ना। तो
तो ये तो चैत्र और बैसाख का था, ऐसा ही सेम एक त्रिभुज और बनेगा कैसे, देखो यहां देखते हैं अपन, ये तो क्या है एस एस टी श्रावण शुक्ल तृतीया, अपने श्रावण शुक्ल तृतीया जयपुर वाली, फिर यहां ही अभी अपन ने जो बूंदी वाली देखी, ये क्या है यहाँ पे, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया है ना, भादवा, ये तो छोटी तीज हो गई, ये तो छोटी वाली, ये छोटी तीज एस एस टी श्रावण शुक्ल तृतीया, और बी के टी क्या है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, और बी से भादवा और बी से ही बड़ी बड़ी तीज है ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो आ रही है ना ये, जिसको अपन क्या बोलेंगे भाद्रपद शुक्ल तृतीया बी एस टी, ये कौन सी है, ये हरितालिका तीज है, ये हरितालिका, ये जो यहाँ लिखी हुई है ना इधर हरितालिका, ये वाली इधर, यहाँ पे जो मैंने बताई थी हरितालिका तीज, वो बी एस टी भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ऐसे ही ये तो एक त्रिकोण है, त्रिभुज है, त्रिभुज है ना। तो दो त्रिभुज मैंने आपको बताए, एक चैत्र बैसाख से रिलेटेड है और एक श्रावण और भादवे से रिलेटेड है, ऐसे है ना। तो ऐसे इनको ध्यान में रखो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसी ये चीजें याद होंगी, नहीं तो याद नहीं होंगी। और अपने नोट्स में बनाया करो, ये ऐसे त्रिभुज बनाते नहीं हो आप, जैसे मुझे फोटो भेजते हो नोट्स के माइक्रो के ऐसे बना के लिखे, तो उसमें ये नहीं बने रहते हैं, ऐसे मत करो, बनाओ, मेहनत में कम मत छोड़ा करो कुछ भी, ठीक है। तो ये अपन ने एस एस टी तो श्रावण शुक्ल तृतीया, ये बी के टी देख लिया अपने भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बी के टी लिख लो इसमें, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो ऐसे, भाद्रपद कृष्ण तृतीया बोलने बहुत टाइम लगता है, बी के टी एस एस टी जे एस टी है जे शुक्ल तृतीया तृतीया, वो अपने महाराणा प्रताप जयंती, ठीक है। अब अपन फिर आगे और चले किस पक्ष में भादवे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट महीना मैंने आपको पहले बताया था। अब आते हैं अपन छठ, है ना, छठ तो इसको कैसे बोलते हैं अपन, ऊब छठ, है ना, ऊब गया वो किससे, बूंदी में जो गणगौर थी उससे मैं ऊब गया, ऐसे आ सकते ऊब छठ, है ना, ऊब छठ, या ऐसे चंद्र सृष्टि भी बोलते हैं, चंद्र सृष्टि, तो ऊब छठ या चंद्र सृष्टि, महिलाओं द्वारा चंद्रोदय तक है ना, चंद्र के उदय तक खड़े रहकर व्रत किया जाता है, तो जब तक चांद का उदय नहीं हो तब तक महिलाएं खड़ी रहेंगी, ठीक है। और एक्चुअली ये भादवे का महीना होता है, बारिश मतलब आसमान में बादल छाए रहते हैं, तो इतना आसान नहीं होता, पहले बात तो उगता लेट और फिर उगने के बाद भी बहुत लेट दिखाई देता है आसमान में बादल होने के कारण, भादवे में बारिश होती है थोड़ी थोड़ी, है ना, वैसे अगस्त तक हालांकि कम हो जाती है बारिश, लेकिन मौसम वही नमी युक्त रहता है। तो यह ऊब छठ, तो चंद्र उदय तक चूंकि महिलाएं खड़ी रहती हैं, खड़ी रहने को अपन बोलते हैं उबे रहना, ठीक है, उबारी जो मां नहीं आऊं जब तक उबारी जो खड़े रहना, है ना, और चंद्र उदय तक खड़े रहना, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं ऊब छठ, ऊब छठ, ठीक है, छठ छठ आ रही है, पहाड़ा याद रखना अपन को, जैसे तृतीया बोला अपन ने भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ऐसे ही भाद्रपद छठ, भाद्रपद कृष्ण छठ, क्या हो गया ये अपने ऊब छठ। ऊब छठ के बाद आती है फिर हल छठ, हल षष्ठी या हल छठ, छठ याद रख लो आप, तो षष्ठी के चक्कर में मत पड़ो, संस्कृत वाला रहने दो, हिंदी वाला याद रखो, हल छठ, हल क्या है, ये बलराम कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम उनका चिन्ह है, ठीक है, हल खेती वाला हल, बलराम वह हल की पूजा की जाती है, हल, ठीक है ना, बलराम कृष्ण के बड़े भाई, ठीक है, बलराम जयंती भी बोलते हैं इसको, और इस दिन बलराम का जन्म हुआ था, ठीक है, बलराम कृष्ण के बड़े भाई, तो उनका जन्म 6 को हो गया, अब कृष्ण का जन्म आएगा 8 को, तो बड़े भाई का जन्म पहले ही तो होएगा, तो छठ को तो जन्म हो गया बलराम को, बलराम जयंती बना दी अपन ने, या हल हल छठ भी उसको बोलते हैं, और कृष्ण जी का जो जन्म है वो 2 दिन बाद मतलब अष्टमी को है, बलराम का जन्म तो छठ को हो गया षष्ठी को, और कृष्ण जी का जन्म अष्टमी को 8 को, ऐसे अपन को याद रखना, पहले भाई बड़ा भाई पहले आएगा, सीधी सी बात है, तो बलराम जी आ गए, है ना, तो ऐसे मत करना कि बलराम से मैं ऊब गए, ऊब छठ, और फिर ये अपने कृष्ण छठ, कृष्ण जन्माष्टमी जो बोलते हैं, ठीक है। अब आगे अपन अष्टमी पर, अष्टमी में अपन को क्या देखना है, अष्टमी क्या है, अष्टमी क्या हो जाएगी, कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी कृष्ण जन्म प्लस अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी, जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ, बलराम पहले ही छठ को चले गए, 2 दिन बाद कृष्ण जी आए। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ मेले भरते हैं राजस्थान में, सबसे प्रसिद्ध अपन देखते हैं नाथद्वारा, है ना, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय की ये सबसे प्रमुख पीठ है, ना केवल राजस्थान में बल्कि संपूर्ण भारत में नाथद्वारा। फिर गोविंद देव जी अपने जयपुर के अंदर, जो कि प्रमुख पीठ है अपने गौंडी संप्रदाय की राजस्थान के अंदर। फिर इसके अलावा जगदीश मंदिर अपने उदयपुर में है, जहाँ पे दही हांडी महोत्सव होता है ना, जैसे अपन जो महाराष्ट्र में देखते हैं दही हांडी महोत्सव, उसकी तर्ज पर राजस्थान में उदयपुर में।
ठीक है, ये वल्लभ संप्रदाय और गौंडी संप्रदाय में तो कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। मदन मोहन मंदिर जो करौली में है वो गौंडी संप्रदाय का, जो कामा में है वो अपने वल्लभ संप्रदाय का। ठीक है, दही हांडी महोत्सव हो गया आपने। फिर अपन देख रहे हैं, फिर अपन देख रहे हैं अष्टमी में ही कंटिन्यू हुआ। एक मिनट, अष्टमी में कंटिन्यू अपन देख रहे हैं दो और। अष्टमी में है ना मेहदी मांगलिया, पैरागोमा देखा था अभी अपन ने, याद रखो इसमें पैरागोमा, बाबूजी हड़बूजी रामदेव जी गुगा जी मेहदी मांगलिया है। पैरागोमा में से लास्ट के जो मतलब पैरागोमा से पांच थे, इसमें से तीन से बाद्यो में आएंगे जन्म अपने। ठीक है, तो ये देखो मेहदी मांगलिया, पैरागोमा में गो मा था ना, मैं से मेहदी मांगलिया, ये वो मेहाजी मांगलिया का मिला बापनी जोधपुर में, है ना। मैंने बताया था पिताजी बापूजी से मांगो, ये अष्टमी है कृष्ण जी के साथ मेहाजी मांगलिया। और फिर एक अष्टमी को और है, ये है नरहर पीर का उर्स, जिसको अपन शक्कर बाबा भी बोलते हैं, हजर शक्कर बाबा झुंझुनू चिड़ावा झुंझुनू, नरहर नाम की जगह चिड़ावा झुंझुनू, और शक्कर बाबा भी अपन ने देखा था जब अपने देवता पढ़े थे तब। ठीक है, तो ये कृष्ण जी के साथ तीन हो गए, इनको अपन को याद कैसे रखना है, कृष्ण जी तो ये है ही कृष्ण जन्माष्टमी, उसके साथ एम एन रॉय याद रखना अपन को, एम एन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अपन ने पढ़ा है वाम दलों का जो उदय आधुनिक भारत में अपन पढ़ते हैं, एम एन रॉय मानवेंद्रनाथ रॉय, एम एन रॉय जी है ना, जैसे कृष्ण जी के आगे अपन जी लगाते हैं ऐसे एम एन रॉय जी याद रखना इसको। तो की से तो कृष्ण जन्माष्टमी, एम से मेहाजी मांगलिया है, मेहा हड़बूजी और मेहाजी वो याद है आपको, वो हड़बूजी सांकला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई रामदेव जी हड़बू जी, ठीक है ना, और फिर ये मेहाजी मांगलिया उसके बाद वो। ठीक है, मेहाजी मांगलिया, ठीक है, एम से मेहाजी मांगलिया और एन से ये नरहर पीड़, और फिर ये जी जो अपन लगाया ना कृष्ण जी, तो जी अभी गुगा जी और लोहागढ़ जी आएंगे, गुगा नम्मी आएगी इसके बाद है। तो कृष्ण जी को के एम एन से याद रखना अपन को, के एम एन जी। तो छह में तो अपन ने क्या देख लिया, उप छठ बलराम जयंती देख लिया, अष्टमी में कृष्ण जन्माष्टमी देखा, मेहाजी मांगलिया जयंती जन्म उनका, मेहाजी मांगलिया अष्टमी बोलो सब में, कृष्ण अष्टमी, मेहाजी मांगलिया अष्टमी और नरहड़ पीर अष्टमी, ऐसे तो ये तीन आ जाएंगे अपने अष्टमी। जी से अब आगे देखते हैं अपन गुगा जी, तो ये अष्टमी में ये देखे अपन ने। फिर नम्मी को अपन देखते हैं भाजपा कृष्ण नम्मी को क्या है, नम्मी में दो आएंगे, जैसे जी मैंने बताया था अभी गुगा जी, ठीक है ना, गुगा जी गुगा नम्मी है, और एक लोहागढ़ मेला अपने झुंझुनू में भरता है वो भी नम्मी को ही है। ठीक है, नम्मी तो नम्मी को क्या होता है अपने गुगा जी का जन्मदिन, तो मैंने बताया था पहरा गोमा गोमा, तो माँ तो अभी ऊपर गया मेहाजी मांगलिया अष्टमी को है, पहरा गो और माँ है ना, तो मेहाजी मांगलिया ऊपर गया, गो ही आ रहा है अभी गुगा जी है ना, गुगा जी का जन्मदिन है ये गुगा नम्मी। ठीक है, तो गुगा जी का अपन ने देखा था जन्म जो है वो अपने ददरेवा चुरू के अंदर है, ठीक है, शीर्ष मेढ़ी, और नोहर हनुमानगढ़ के अंदर अपने दूर मेढ़ी, तो गुगा नम्मी जन्मदिन है ना नोहर हनुमानगढ़ मेला आ गया। देखो गुगा मेढ़ी नोहर हनुमानगढ़ और गुगा मेढ़ी नोहर हनुमानगढ़, तो नोहर हनुमानगढ़ में जो है ना भाई ददरेवा चुरू के अंदर तो शीर्ष मेढ़ी है, और ये धूर मेढ़ी है, जहाँ पे धूर मेढ़ी जहाँ पे मतलब धड़ गिरा था इनका, गजनी से युद्ध किया था गायों को बचाने के लिए और वहां धड़ गिरा था। इस दिन क्या है, वो जो अपने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पे एसएस पूर्णिमा जो रक्षाबंधन देखा था, तो राखी इस दिन खोली जाती है गुगा नम्मी पर है ना, खोली जाती है, या यूं कह लो कि गुगा नम्मी तक रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है रक्षाबंधन पर कोई नहीं आ सका, तो यूं कहते हैं कि गाँव में तो गुगा तक अपन राखी को राखियां बांध सकते हैं, गुगा कोई मान लो जैसे गुगा जी वाले दिन भी आया सप्तमी को अष्टमी को आया कोई गाँव, तो वो गुगा नम्मी तक राखी बांध सकते हैं। ठीक है, और फिर जिन्होंने बांधी है राखी गुगा नम्मी से पहले, वो गुगा नम्मी को सारी राखियां खोल दी जाती, ठीक है, जो है। और फिर इसी दिन क्या है, किसान द्वारा हल पर राखी बांधी जाती है नौ गांठ वाली, और किसान का जो हल होता है ना उसमें राखी बांधी जाती है अच्छी खेती के लिए, नौ गांठ वाली राखी, ठीक है ना, जो रक्षाबंधन पर बांधी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा वो तो खोली जाती है, और हल पर राखी बांधी जाती है नौ गांठ वाली, किसान बांधते हैं, ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान रखना। तो यह है गुगा नम्मी, ठीक है, गुगा नम्मी कहा अपने बात पर कृष्ण नम्मी बी के नाइन, अष्टमी पे कृष्ण जन्माष्टमी, मेहा जन्माष्टमी, नरहर पीर जन्माष्टमी, छठ पे देखा था उप छठ और बलराम छठ, तीज पे देखा अपन ने क्या
बड़ी तीज भाद्रपद का, बड़ी तीज बूंदी की, बड़ी तीज कजली तीज भादुरी तीज साधुरी तीज ऐसे। और नवमी को फिर एक अपन ने देखा लोहागर जी, ठीक है ना, लोहागर झुंझुनू। ऐसे इनकी लिस्ट बना लो बस, अभी लिस्ट को अपन को याद रखना और कुछ भी नहीं, बार बार रिविजन करें। अब आएगी बारस को अपने बच बारस, ठीक है ना, बारस द्वादशी जिसको बोलते हैं, बारस दो और दस बारस, बच बारस, बछड़ी की पूजा होती है इस दिन, बच बारस, वत्स 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 द्वादशी। आप याद करो अपने आई थी वत्स चतुर्थी, कहाँ आई थी याद करो, वत्स चतुर्थी, वत्स नाग से डरो। नहीं नहीं मैं तो नहीं डर रहूंगा क्योंकि मेरे पास ना हाँ नेवला है और मैं हरियाली से भी मेरे को कोई अब डर वाली बात नहीं है। कहाँ आई थी आप याद करो, ये बारिश में श्रावण में बूढ़ा कह रहा था ना ऐसे ऐसे अपने श्रावण कृष्ण पक्ष के अंदर, तो वो थी वत्स चतुर्थी और ये है वत्स द्वादशी बारह, ठीक है, बच बारस बच्चे के समान, ठीक है। तो बछड़े की पूजा की जाती है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण इस इन बछड़ों का और इनका महत्व है, क्योंकि बछड़ा ही आगे जाके बैल बनेगा या गाय बनेगा, ठीक है ऐसे, है ना, बछड़ा ही बनेगा और बछड़ा जैसे गाय बनेगा तो भाई अर्थव्यवस्था अपनी बढ़ेगी, बैल बनेगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी ऐसे, क्योंकि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ही अपनी भारत उस समय भी था, आज भी देख लो, आज भी भारत गाँव में बसता है, 70% आबादी आज भी कृषि पर आधारित है ऐसे, है ना। तो बच भारत इन त्योहारों से अपना पता लगता है अपने को। फिर भाद्रपद कृष्ण अमावस्या या भाद्रपद अमावस्या को अपन देखते हैं सती अमावस्या, तो सती एक तरह से अपन जैसे देखते हैं कि भाई दुख का ही परिचायक है ना, वो एक दूसरी बात है कि आत्मसम्मान का परिचायक है, लेकिन ये अमावस्या ऐसे भाई एक नेगेटिविटी को उस समय डिनोट करता था, फिर जैसे इसको हाईकोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने माना, फिर 87 में लॉ बनाई है ऐसे अंधकार में होने के कारण कि भाई स्त्री के गरिमा को या स्त्री के जैसे भविष्य को तो आप बिल्कुल ही अंधकार में झोंक दिया आपने एक मध्यकालीन प्रथाओं को ढहने रखना के का नकाब पहने रखने के कारण, समझ रहे हो, तो उनको भी एक बेहतर जीवन मिले, स्त्री एक विधवा स्त्री का जीवन अंधकार में नहीं हो, उसको भी एक बेहतर जीवन मिले कुछ करने के लिए, उसको भी अवसर मिले ऐसा, तो यह सती अमावस्या, ठीक है। इस दिन रानी सती का मेला भरता है अपने झुंझुनू में, है ना, तंदन दास अपन ने पढ़ा था रानी सती का मंदिर झुंझुनू, तंदन दास नारायणी अग्रवाल ऐसे तंदन दास, ठीक है ना, रानी सती का मेला अपने झुंझुनू में इसी दिन भरता है अपने भाद्रपद अमावस्या को। तो ये सारे अपन ने देखे किसके, कृष्ण पक्ष के भादवे में, कृष्ण पक्ष के, समझ गए। अब इसके बाद अपन देखेंगे भादवे का, वैसे ये भादवे का कृष्ण पक्ष बस इतना ही है, शुक्ल पक्ष में काफी है ये आगे। अब अपन भादवे का शुक्ल पक्ष देखते हैं, यहां से बड़ा महीना है, सबसे बड़ा महीना है, सबसे पवित्र महीना भादवा, ये दही हांडी महोत्सव, तो ये तो अपने कृष्ण पक्ष में चल रहा है ना, अपने जगदीश मंदिर उदयपुर वाला, यहां से देखते हैं ये भादवा, ये आ गया भादवा, है ना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं भादवे का शुक्ल पक्ष।